केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया अमृत बजट प्रस्तुत किया है। वित्त मंत्री ने बजट में देश और समाज के प्रति सरकार की जो 7 प्राथमिकताएं बताई है उनसे समाज के हर वर्ग का कल्याण होगा। अमृतकाल में प्रस्तुत किया गया यह बजट आधुनिक भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम बजट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सपनों के अनुरूप देश को विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में सार्थक सिद्ध होगा। यह केवल बजट नहीं है बल्कि भविष्य के भारत के अमृतकाल का विजन पत्र भी है। यह देशवासियों को नई ऊर्जा देने वाला सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी बजट है। सुशासन गरीबी उन्मूलन सामाजिक आर्थिक परिवर्तन और रोजगार सृजन का नया अध्याय लिखने में यह अहम योगदान देगा। यह है अर्थ प्रकाश की विशेष रिपोर्ट। हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो आज ये बजट प्रस्तुत किया है संसद में, बहुत ही एक अच्छा अमृतकाल का ये पहला बजट, बहुत क्रांतिकारी बजट जिसको मैं कह सकता हूँ। और ये जो बजट है ये हर वर्ग के लिए, समाज के हर व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के लिए एक प्रकार का ये राहत देने वाला बजट है। विशेष तौर पर मध्य आय वर्ग के जो लोग हैं उनको एक आयकर के नाते से, आयकरदाता के नाते से बड़ी राहत दी गई है। स्लैब सिस्टम जो बनाया गया है, चाहे वो 3 लाख से 6 लाख तक, 6 लाख से 9 लाख तक, 9 से 12 लाख तक, अलग अलग से जो एक स्लैब सिस्टम बनाया है ये राहत देने वाला है। फिर ये चाहे युवा वर्ग हो, महिला हो, चाहे हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, उन सब के लिए राहत देने वाला है। व्यवसाय के नाते, चाहे वो किसान है, मजदूर है, वो हमारा चाहे व्यापारी है, चाहे हमारा नया उद्यमी है, वेतनभोगी है, इन सब के लिए राहत जो दे रहा है। और इसमें समाज के जो खास करके निम्न वर्ग के लिए जो राहत की बातें की गई हैं उनके लिए प्रधानमंत्री ने जो आवास योजना में भी अपना 66% का और योगदान करने की बात कही है, बहुत ऐसे पग उठाए गए हैं, मैं बहुत ही इसकी सराहना करता हूं। और विशेष तौर पर हम अपने प्रदेश का बजट भी जब इस मास के अंत में लेकर के आएंगे, हम इस बजट से बहुत सी प्रेरणा लेकर के अपने यहाँ भी लगभग 3.25 करोड़ लोगों को राहत देने वाला एक अच्छा बजट प्रस्तुत करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।